ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी बात बताया, अगर माता जी कहते पति बहुत गुस्सा करता है बच्चे, हाँ करते जरूर, जब वो गलत बोलते हैं तो 5 मिनट चुप रहना है, मुख से बोलना नहीं, लेकिन उस समय मन से बोलना है। लेकिन वो जो बोल रहे अंदर जा रहा है, अंदर चलेगा, नींद भी नहीं आएंगे, गलत विचार चलेंगे, तो उस समय शुभ बाबा, बाबा को याद करो, शुभ बाबा आपने कहा था चुप रहो, ये आपका बच्चा है, देखो कैसे बोलता है, आप इसको शांति की शक्ति दे दो। उनके प्रति शुभ सोचना, उस समय बोलना नहीं, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का, दो बोल के जाएंगे, शाम को मिलेंगे फिर, तब पूछना आप सवेरे इतने जोर जोर से गुस्सा कर रहे थे क्यों, तब वो बोलेगा आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, वो भी सुनेगा आप भी सुनेंगे। उस समय जब तवा गर्म है, ठंडा पानी भी डालो तो भी उछलेगा, तो उस समय बोलना नहीं है, आपको सदा मरना नहीं है, सदा सुनते रहना नहीं। जिस समय कोई गलत बोलता है, कुछ करता है, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन चुप रहो, सहन करना है, लेकिन जरूर जवाब देना है, निवारण करना है, क्यों गुस्सा कर रहे, क्यों बोल रहे थे, क्या गलत हुआ, पूछ लो। हाँ अगर मेरी गलती है तब ये बोलते हैं तो मुझे ठीक करना है, अगर मेरी गलती नहीं है कुछ ऐसे बोल रहे हैं तो आप इतने जोर से बोल रहे थे, घर में सब हंगामा करते हो, आवाज करते हो, क्यों कर रहे हो, पूछ लो। जब वो शांत है तब वो जवाब देंगे, तो वो जो आप कुछ कहते हो वो सुनते हैं, समझ में आता है, समझ देना है, शिक्षा नहीं देनी है, सजा नहीं देना है, समझ देनी है। लेकिन समझ कब देना है, समय देखकर, इतना ही, ऐसे नहीं कहा आपको संसार में आप ही मरो, चुप रहो, नहीं, लेकिन 5 मिनट, आधा घंटा चुप सहन करना है, बाद में 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब दोबारा मिले उनको जरूर पूछना, हो सकता है कर सकते हैं। आप कहेंगे सदा हमको ही मरना है, हमको चुप रहना है, ऐसा नहीं है, हर चीज की निवारण विधि है।